सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम आजकल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन और उसमें हम कर रहे हैं लास्ट ईयर आने वाले क्वेश्चंस, और 3 और 4 नंबर के हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 क्वेश्चंस हम इनसे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। एक बार हम रीड करते हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। अब ये क्वेश्चन डायग्राम के बिना हमें क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं कि CM और RN इन दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले तो हम दो त्रिभुज बनाते हैं, दो ट्राइंगल बनाते हैं बेटा। तो एक ट्राइंगल तो ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हमने बना लिया, ठीक है भाई। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज का नाम है ABC, तो ज़्यादातर हम A यहाँ से शुरू करते हैं, B यहाँ लेते हैं और C यहाँ लेते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि माध्यिका का नाम CM है, तो C से शुरू होगा। तो अगर हम C से माध्यिका लेंगे तो वो सामने जाकर मिलेगी, तो हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगी। डायग्राम जितना सीधा हो उतनी आसानी से हम क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये है ट्राइंगल ABC, और ये भी ध्यान देना है कि ABC PQR के समरूप है। तो A के जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो P लेना है, B के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ Q लेना है और ये R लेना है। दोनों ट्राइंगल हमने बना लिए। CM और RN माध्यिकाएं हैं। माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को, एक शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। क्या मतलब है कि ये AB है और ये AB का मध्य बिंदु M है, तो CM माध्यिका है। इसी तरह PQ का मध्य बिंदु N है और RN माध्यिका है, ये हमें दे रखा है। क्लियर? फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया है। ये क्वेश्चन 2018 और 2020 में दो बार ये आया हुआ है, तो सॉल्यूशन लिख लीजिए या प्रूफ लिख लीजिए। तो आप इन बातों को एक बार तो लिख लीजिए कि त्रिभुज ABC वह त्रिभुज PQR में CM व RN माध्यिकाएं हैं। क्लियर भाई? CM व RN माध्यिकाएं हैं, और माध्यिका जब है तो ये बात क्लियर है कि ये मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AM MB के बराबर है। क्लियर? और PN NQ के बराबर है। जो जो बातें हमें पता है हम उन्हें पहले से ही नोट कर लेते हैं। आप इसे दिया है, सिद्ध करना है, थ्योरम की फॉर्म में भी कर सकते हैं, नहीं तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा कि इन दोनों त्रिभुजों की ये माध्यिकाएं हैं, तो माध्यिका की जो मेन प्रॉपर्टी हमें पता थी वो हमने लिख ली कि भाई ये वाली साइड AM तो BM के इक्वल है और भाई PN NQ के इक्वल है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरी बात, दोनों त्रिभुज हमें ये दिया गया है कि यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। अब ध्यान दें, हमें ये पता है कि ये मेन ट्राइंगल ABC और PQR समरूप हैं, तो पहले तो इसी को उठा लीजिए, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो उन बातों को हम नोट कर लेते हैं। कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है, तथा ध्यान देंगे
ए बी और पी क्यू फर्स्ट टू साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आधार की तुलना आधार से, तो ए बी बाय पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाय क्यू आर किसके बराबर है, बी सी बाय क्यू आर और वो फर्दर किसके बराबर है, सी ए बाय आर पी, सी ए बाय आर पी। अभी तक हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ हमें गिवन था उसी को हम लिखते आ रहे हैं कि माध्यिकाएं हैं तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और त्रिभुज समरूप है तो ये अनुपात आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि हमने करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी और पी एन आर, क्यों ना हम इन्हें थोड़ा हाईलाइट करें, ए एम सी, ए एम सी ये वाला ट्राइंगल और पी एन आर ये वाला, ये दोनों हमने सिमिलर या समरूप दिखाने हैं। अगर हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो या तो इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाओ, या इनके तीनों कोण बराबर दिखाओ, या दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर दिखाओ। तो आप ध्यान दें कि ये वाला जो एंगल ए है ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि पी के बराबर ऑलरेडी है, एंगल ए एंगल पी के बराबर पहले से ही है, क्लियर। ये भी हमारी, आप इसको तो नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर वन, एंगल वाले को दे दीजिए टू और इस रिजल्ट को नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री। तो एंगल ए तो एंगल पी के बराबर हो गया, सी एम और पी एन आर एन हमें पता नहीं है तो क्यों ना हम इन भुजाओं पर फोकस करें एक बार। तो ध्यान देंगे कि जो ए बी है, ए बी है उसमें एम मिड पॉइंट है, तो ए बी को हम ए एम जमा बी एम लिख सकते हैं, है ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए एम जमा एम बी या बी एम, और ए एम और बी एम दोनों बराबर हैं तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए एम जमा ए एम, और इसको मैं लिख सकती हूँ ए एम का दुगना। ए बी को मैं ए एम का दुगना लिख सकती हूँ क्योंकि एम मिड पॉइंट है, ठीक है भाई, और पी क्यू को मैं पी एन का दुगना लिख सकती हूँ, क्लियर। तो इसी प्रकार जो पी क्यू है उसे हम लिख सकते हैं पी एन का दुगना। इन दोनों परिणामों को यहाँ थर्ड में यूज कर लो आप इक्वेशन नंबर तीन से, इक्वेशन नंबर तीन से क्या परिणाम आएगा आपके सामने तीन से, देखिए ए बी बटा पी क्यू पहले से ही हमें पता है कि ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, इसके और ये इसके, यानी तीनों आपस में बराबर है तो हम ये वाला ले लेते हैं सी ए बटा आर पी। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि सी ए और आर पी हमारे उस ट्रायंगल का पार्ट है जिसको हमने समरूप सिद्ध करना है, तो सी ए बटा आर पी, क्लियर। अब ए बी की जगह मैं लिख दूँ दो ए एम, दो ए एम, और पी क्यू की जगह मैं लिख दूं दो पी एन, दो पी एन, और वो किसके बराबर है भाई, सी ए बाय आर पी, तो दो से दो कट गया। ध्यान देंगे हो गया हमारा क्वेश्चन, अब ए एम बाय पी एन किसके बराबर आ गया, सी ए बाय आर पी के। ध्यान देंगे ए एम बाय पी एन सी ए बाय आर पी के बराबर आ गया, ये वाली साइड का इस साइड से रेशो और इस साइड का इस साइड से रेशो इक्वल आ गया, और एंगल ए ऑलरेडी एंगल पी के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये वाला लेफ्ट वाला ट्राइंगल इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी समरूप है पी एन आर के, समरूप है ट्राइंगल पी एन आर के। देखिए बेटा ये इतना बोलने में लिखने में इतना टाइम लगा है, अगर आप इसको करने से पहले एक बार समझ लिया आपने, फिर आप इसको वर्बल अपने माइंड में फिट करें कि हमें करना क्या है। देखिए हमें ये दो त्रिभुज दे रखे हैं और ये इनके माध्यिका दे रखी है, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, समरूप हैं, तो जो जो बातें हमें पता है वो सब हम नोट कर लेते हैं। त्रिभुज समरूप हैं तो ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर है सी ए बटा आर पी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरी बात हमें यह पता है कि भाई जब त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे, तो ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के और पूरा सी पूरे आर के, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर ये नोट कर ली,
क्लियर। एक बात हमें ये पता है कि सी एम माध्यिका है, माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु है, तो ए एम बी एम के बराबर होगा, तो ये बात नोट कर ली। और इसी तरह पी एन एन क्यू के बराबर होगा, तो ये बात हमने नोट कर ली। दूसरी बात भाई, जब ये मध्य बिंदु है तो ए बी इस ए एम का दुगना होगा, तो ए बी ए एम का दुगना होगा, और पी क्यू पी एन का दुगना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये इतनी सारी बातें तो हमने अपनी स्टेटमेंट में से ही निकाली हैं, हमने कोई दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डाला, लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हम इन चीज़ों से फेमिलियर हों, हम इन रिजल्ट्स से फेमिलियर हों। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो ये सारी बातें हमने नोट कर ली और उनको ज़रूरत के हिसाब से नंबरिंग दे दी, 1, 2, 3। क्लियर। अब अपने मेन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ तक का सब नोट हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी और पी एन आर, तो उनको थोड़ा हाईलाइट कर लो, ए एम सी और पी एन आर समरूप हैं भाई, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए या तो हमें इसकी तीनों भुजाओं और इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात चाहिए, या इसके तीनों और इसके तीनों कोणों का बराबरी चाहिए, या इसकी दो भुजाएं और एक कोण चाहिए। पता हमें कुछ भी नहीं है। हम मदद कहाँ से लेंगे? हम मदद लेंगे अपने इस पॉइंट से। हम केवल इस पॉइंट की हेल्प ले सकते हैं कि मेन ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो भाई ये एंगल तो इसके बराबर हो ही गया। अब भुजाओं की बात करूं तो ये इसका अनुपात इस पूरे के तो बराबर है, लेकिन सी एम और आर एन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो उसकी बजाय हमने अपने प्रीवियस रिजल्ट को यहां से उठाया कि ए बी बाई पी क्यू इसके और इसके बराबर है, तो हमने इन दोनों को उठा लिया भाई। तो ए बी बाई पी क्यू सी ए बाई आर पी के इक्वल है, तो ए बी बाई पी क्यू सी ए बाई आर पी के इक्वल है। ए बी की जगह मैंने 2 AM लिख दिया, पी क्यू की जगह मैंने 2 PN लिख दिया, और राइट साइड एज इट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू सी ए बाई आर पी, यानी कि ये वाला अनुपात और भाई ये वाला अनुपात बराबर हो गया, और इन दोनों भुजाओं के बीच वाला जो ये एंगल ए और पी था वो हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है। तो जिन दो त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध करना था उनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, उनके दो कोण बराबर आ गए। तो ऐसे समरूपता नियम से ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल पी एन आर समरूप हो गए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार इसको अच्छे से समझें करें। इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है जो अभी हमने किया है। ये सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन उसकी कॉन्टिन्यूटी में, थोड़ा सा कंप्लीट उतना ही करेंगे और उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें नाम का फर्क आ गया है। तो देखें जल्दी से, ये 2016 में आया है बेटा क्वेश्चन। ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, बिल्कुल वहां भी हमने ऐसे किया था, लेकिन वो माध्यिका सी से और आर से शुरू हो रही थी। तो अब हमारी माध्यिका ए से शुरू हो रही है, तो त्रिभुज का नाम हमने ले लिया भाई ए बी सी, और ए डी माध्यिका है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये मध्य बिंदु है, ठीक है भाई। और दूसरे त्रिभुज का नाम है भाई पी क्यू आर, तो ये हमने सेकंड ट्रायंगल बना दिया बेटा जी, जिसका नाम है पी क्यू आर, और इसकी माध्यिका का नाम है पी एम। क्लियर आ रही मेरी बात समझ में? ये पार्ट इसके बराबर है और क्यू एम की लंबाई एम आर के बराबर है। ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, और त्रिभुज पी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी, ध्यान देंगे तो वही बातें हमें दे रखी हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। तो सिद्ध करें कि ये बदल गया थोड़ा सा, पिछली बार हमने ये सिद्ध किया अभी 7th क्वेश्चन में कि ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेफ्ट के समरूप है, हम राइट वाले को भी राइट के समरूप इसी तरह दिखा सकते हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि क्या प्रूव करो कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बाई पी एम, ये ए डी और ये पी एम। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन बन रहा है ये कि हमने लेफ्ट ट्राइंगल को इस लेफ्ट ट्राइंगल के समरूप प्रूव करना है, और जब ये ट्राइंगल समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से करा रही हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, बट आई एम टेलिंग यू कि देखिए जब त्रिभुज समरूप हैं तो ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर, और बराबर है ए सी बाई
पी आर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब हमें ए बी बाई पी क्यू तो ये रहा, और हमने इसको दिखाना है तो बी डी बी सी वाले को उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए कि ए बी बाई पी क्यू, और जो बी सी है, जो बी सी है वो बी डी का डबल है, तो वो हो जाएगा डबल ऑफ बी डी, क्लियर, और वो हो जाएगा डबल ऑफ क्यू एम, तो दो से दो कैंसिल हो गया, तो ध्यान देंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ध्यान दें ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, और एंगल बी एंगल क्यू के ऑलरेडी इक्वल है। अब मैं डिटेल में नहीं करा रही, सेवन्थ क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण क्यू के, और जब हम इन दोनों बातों की समरी करते हैं ऐसे ऐसे नियम से, तो ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल समरूप हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे ट्राइंगल ए बी डी समरूप ट्राइंगल पी क्यू एम, और जब दो ट्राइंगल समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, तो इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं ले लो और उस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं ले लो, तो ले लीजिए भाई ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी डी बाई क्यू एम, वो तो पहले ही आ चुका है हमारा, और तीसरी क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बाई पी एम, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बाई पी एम, क्लियर भाई। जब दो त्रिभुज ऑलरेडी यहाँ तक का काम बिल्कुल वही है जो हमने सेवन्थ क्वेश्चन में किया था, इससे आगे सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम फर्स्ट और थर्ड को जब पिक करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, और ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम ही वो रिजल्ट था जो कि हमने सिद्ध करना था। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों ही एक से क्वेश्चन थे, बस उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो 2015 में आया हुआ है, और स्टेटमेंट बड़ी लंबी लग रही है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिद्ध कीजिए कि ठीक है, एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज है, यहीं से मैं आपको डायग्राम बनाना शुरू करती हूँ ताकि हमें आसानी रहे। चलिए मैं एक बार जल्दी से क्विक पढ़ देती हूँ। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये मैंने बड़ा जल्दी पढ़ा तो समझ नहीं आएगा, देखें अब ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, ठीक है भाई, तो ये मैंने बना दिया त्रिभुज, नाम दे दीजिए इसको कोई भी, ए बी सी नाम दे दीजिए। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक मध्य बिंदु हमने ये ले लिया, त्रिभुज का नाम रख दीजिए यहाँ पर ए बी सी, और ये इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया भाई डी, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, तो ये एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया, से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। अब इसके अलावा ये दोनों भुजाएं बच जाती हैं तो किसके समानांतर लें, हम इसके समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं, से खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या कहता है, कोई ट्राइंगल है, एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया डी, क्लियर, डी से दो रेखाएं बचती है, या तो डी से एक लाइन आप ऐसे खींचो या इसके समानांतर ऐसे एक खींचनी है, तो डी से मैंने बी सी के समानांतर एक रेखा खींची जो ए सी को ई पर काटती है, क्लियर, यहां तक बात समझ आ रही है आपको। इसे हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, दिया है करके, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये हमारे लिए दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी बिंदु, ध्यान देंगे डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, क्लियर, ये बात हमें पता है, और इस डी से इस साइड को छोड़कर, इस साइड को छोड़कर किसी और साइड के पैरेलल लाइन खींची है, तो हमने क्या किया कि डी ई पैरेलल बी सी, हमने डी ई को बी सी के समानांतर खींचा है, क्लियर, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी के समानांतर खींची गई रेखा
तीसरी को सम विभाजित करती है, डी ई बी सी के समानांतर है। क्लियर है? अब हमने सिद्ध क्या करना है कि ये जो डी ई है, जो इसको ई पर मिल रही है, तो ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमने सिद्ध करना है। टू प्रूव, तो सिद्ध करना है कि ई बिंदु, ध्यान देंगे, ई बिंदु ए सी का क्या है भाई, ई बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है। और जब कोई मध्य बिंदु हो तो हम क्या लिखेंगे कि ए ई किसके बराबर है। हमने क्या सिद्ध करना है कि ए ई की लंबाई किसके बराबर है, ई सी के। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे चलते। एक बहुत ही आसान सा परिणाम हमने किया हुआ है अपनी 10वीं कक्षा में, और हम इस चैप्टर में यूज़ भी कर चुके हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या आनुपातिकता, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी सी में, मैं एक बार लिख देती हूँ इस लाइन को, फिर मैं आपको समझाती हूँ, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय द्वारा। क्या प्रमेय था? कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो क्योंकि डी ई बी सी के समानांतर है, क्योंकि डी ई रेखा बी सी के समानांतर है, तो ए डी बटा डी बी, ए डी बाय डी बी का जो अनुपात होगा वो ए ई बाय ई सी के बराबर होगा, वो ए ई बाय ई सी के बराबर होगा। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से किया है। क्लियर? अब एक बात पर ध्यान दो कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो इस बात को हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ये और ये दोनों भाग बराबर होंगे, यानी कि जो ए डी की लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, डी बी के। क्लियर भाई? ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों इससे बराबर होंगे, तो ए डी डी बी के बराबर है। तो यहाँ आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि ऊपर भी ए डी नीचे भी ए डी किसके बराबर है, ए बटा ई सी के। कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि ए डी किसके बराबर है, डी बी के। तो ए डी की जगह हमने डी बी की जगह ए डी लगा दिया, ए डी से ए डी कट गया। ना भी रखते आप तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो कि ये दोनों ऊपर नीचे समान हैं, समान है तो कट जाएंगे, तो कितना बच गया, वन बच गया। तो एक बराबर है ए ई बटा ई सी, आर पर गुणा कर दो, ई सी को इधर ले आओ, तो क्या बन गया, ई सी बराबर है ए ई, यानी कि ई सी ये वाला हिस्सा किसके बराबर आ गया, ए ई के बराबर आ गया, ई सी ए ई के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ई बिंदु क्या है, ए सी का, ई बिंदु ए सी का क्या हो गया, मध्य बिंदु है। तो ई बिंदु ए सी का मध्य बिंदु आ गया। बिल्कुल आसान थ्योरम थी, मैं जल्दी से आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये हमें पता है कि डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और एक रेखा खींची गई है जो दूसरी के समानांतर और तीसरी को समद्विभाजित करती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, एक कौन सी लेनी है, दूसरी कौन सी लेनी है और तीसरी कौन सी लेनी है। तो एक भुजा हमने ए बी ले ली, ए बी का मध्य बिंदु हमने डी ले लिया, डी से बी सी के समानांतर रेखा हमने डी ई खींच ली। अब हमने सिद्ध क्या करना है कि ये जो ई है ना, ये ए सी का भाई मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इस चित्र को देखते ही हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय याद आ जाता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान भागों में बांटती है। तो इसका मतलब ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी बराबर हैं। क्लियर? और जब ये बराबर है, ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं भैया, क्योंकि मिड पॉइंट है डी, तो इन दोनों से ये कट जाएगा, और जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका वन बच जाएगा, और वन ए ई बाई ई सी के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए ई ई सी के बराबर आ गया, ए ई ई सी के बराबर है तो ई मिड पॉइंट हो गया। और ये बहुत आसान से हमारे तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जो दो एक से थे और ये थोड़ा डिफरेंट था। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक आप इन्हें देखें, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दें। इफ़ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।